जो है उनका एम्पलीट्यूड अगर ए और बी है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या करवाया था, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। और अगर इंटेंसिटी बराबर है तो हमने ऐसे किया था, अगर इंटेंसिटी की वैल्यू बराबर है तो एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला किया था 4I0 cos स्क्वायर फाइव बाई टू, ये हमने कर लिया था। ठीक है, तो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव रीचिंग एट अ पॉइंट इज पाई बाई टू, तो क्या गिवन है, फाइव। फाइव कितना गिवन है, पाई बाई टू। वॉट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड आर गिवन, तो ऑब्वियसली इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ फाई, और फाई क्या है, पाई बाई टू। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 और 4 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, 5। ठीक है यहां तक, तो ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट, टू लाइट वेव सुपर इम्पोजिंग एट मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन आर कमिंग फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्स लाइट फेज ऑफ डिफरेंस 3π रेडियंस, तो फाई क्या गिवन है, 3π रेडियंस। देर एम्पलीट्यूड ए एंड बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ईच, वॉट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट अ गिवन पॉइंट, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ae cos ऑफ कितना, 3π। तो इसके अंदर ए और ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर में गिवन है आपको ऑलरेडी, तो यहां पर वैल्यू को पुट कर लेना, कॉस 3π कितना होता है, माइनस वन, कॉस 3π इज -1, पुट करो, पुट करके पता लग ही रहा है कि आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, कोहरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बी में इंटेंसिटी आई एंड 4I डिफरेंट है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, फॉर्मूला I1 I2 √I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए I1 I2 √I1 इंटू I2 और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। तो आप इंटेंसिटी एक I1 की जगह आए, I2 की जगह 4I, आंसर निकाल लेना। तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक, तो कैसे यूज करना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, क्लियर है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेरिमेंट में यंग में व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर टू वेव्स अराइव हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60, तो यंग्स में इंटेंसिटी बतानी है, एज्यूमिंग सोर्स इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स इज एफ नॉट, नहीं है ये आई नॉट करो, आई नॉट है, तो ए पार्ट में क्या करोगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, आई नॉट वैसे तो फॉर्मूला पता है मुझे, आई वन प्लस आई टू प्लस 2√I1 I2 cos फाइव, पर उसकी जगह ये लगा लो 4I0 cos² 5/2। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपकी इंटेंसिटी बराबर है I0 I0, अगर I1 I2 डिफरेंट डिफरेंट है तो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos² लगाना होता है। तो इसके अंदर ए पार्ट में आप फाइव की जगह यहां पर क्या पुट करोगे, 60, निकाल लेना। बी पार्ट में फाइव की जगह यूज करोगे 90, निकाल लेना। और सी पार्ट में फाइव की जगह क्या यूज करोगे, 120, निकाल लेना। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द स्क्रीन इन YDSC एक्सपेरिमेंट, ताकि फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई थ्री एंड पाई बाई टू, सेम क्वेश्चन है, 4I0 cos² 5/2 में फाइव की वैल्यू एक बार पुट कर देना इसमें पाई बाई थ्री और एक बार पाई बाई टू, सेम है।
नेक्स्ट है लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज अराइव एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद पाथ डिफरेंस ऑफ जीरो एंड लैम्डा बाई टू. तो इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है. तो अब इसमें ये अज्यूम्ड है, देखो गिवन नहीं है कि इंटेंसिटी दोनों सोर्सेज के डिफरेंट आए वन आई टू, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इंटेंसिटी सेम है आई नॉट एंड आई नॉट. तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा 4I0 cos² 5/2. तो केस नंबर वन में इंटेंसिटी सपोज आई वन है रिजल्टेंट 4I0 cos² फाइव की जगह क्या पुट करूँगा, जीरो, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो तो फेज डिफरेंस भी जीरो है. और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू है, लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू क्या सिखाया था, टू पाई, लैम्डा का मतलब टू पाई होता है, तो क्या आएगा यहाँ पर पाई. तो दूसरे केस में, केस नंबर टू में रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 cos² क्या आएगा, पाई बाई टू. कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो. कॉस जीरो क्या होता है, वन. तो आंसर क्या आएगा, 4I0 ratio 0. अब इन्फिनिटी है वैसे तो, क्या ही निकालोगे रेशियो इसकी, ठीक है ना. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें.